स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की, जहां पर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने एक बहुत ही तगड़ी चाल जो है, बहुत ही तगड़ी रणनीति जो है वो चली है IPL 2020 के लिए, जहां पर बहुत ही बड़ी खबर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को लेकर आ रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आप भी हैं IPL के फैन, IPL 2020 का कर रहे हैं इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लगता है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम कहां तक जाने वाली है IPL 2020 में, क्या टाइटल जीत सकती है, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों, IPL 2020 के लिए किंग्स इलेवन पंजाब की तैयारी जो है अभी से ही शुरू हो चुकी है, जहां पर लगातार अपडेट जो है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को लेकर आ रहे हैं। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम वन ऑफ द टीम है जिन्होंने सारे सीजन IPL के खेले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टाइटल जो है इनके नाम नहीं रहा है। और इसीलिए IPL 2020 से पहले इन्होंने अपना पूरा का पूरा सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो बाहर कर दिया है, सारे कोचों को टीम से बाहर जो है वो कर दिया है, और कई बड़े बड़े चेंजेस जो है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम कर रही है। IPL 2020 के ऑक्शन से पहले दोस्तों इन्हें जो सबसे पहली चीज करनी है वो है इनके हेड कोच को चुनना, क्योंकि दोस्तों हेड कोच ही डिसाइड करेंगे कि किस तरह की टीम होनी चाहिए, कौन होना चाहिए कप्तान, साथ ही साथ किस प्लेयरों को रिटेन करना है, किस प्लेयरों को रिलीज करना है, और कौन कौन से खिलाड़ियों को जो है वो खरीदना है IPL 2020 के ऑक्शन में। ये सारे काम जो है वो करने वाले हैं हेड कोच, लेकिन अभी जो है कोई भी हेड कोच किंग्स इलेवन पंजाब के पास नहीं है, और इनके लिए सबसे पहला काम यही है कि एक बढ़िया हेड कोच चुनना, जिसके लिए दोस्तों हमने आपको बताया था कि चार नाम शॉर्ट लिस्ट किए थे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने, जिनको लेकर बड़ी अपडेट जो है वो आ चुकी है, जहां पर सबसे पहला नाम था माइकल हसी का, जिनको अप्रोच किया गया था कोच बनने के लिए। और आपको बता दें कि माइकल हसी ने इस ऑफर को जो है वो कर दिया है रिजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, माइकल हसी चेन्नई सुपर किंग को छोड़ने नहीं वाले, वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करने वाले किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को, माइकल हसी ने ये चीज जो है बिल्कुल कंफर्म कर दी है। इनके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जॉर्ज बेली ने ऑफर को जो है एक्सेप्ट कर लिया है, अगर उनको मौका मिलता है तो वो यहाँ पर कोच बनते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये दो बड़ी खबरें किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को लेकर आ रही है। लेकिन इसी बीच किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने एक नई चाल जो है वो चली है, जहां पर आपको बता दें कि माइकल हसी के ऑफर रिजेक्ट करने के बाद अब इन्होंने अप्रोच किया है अनिल कुंबले सर को, अपना हेड कोच बनने के लिए इन्होंने अनिल कुंबले सर को जो है अप्रोच किया है। और अगर यहां पर अनिल कुंबले मान जाते हैं तो वो होने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब के अगले हेड कोच। ये बड़ी खबर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को लेकर आ रही है, जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में एक मीटिंग होने वाली है, जहां पर अनिल कुंबले सर के साथ जो है वो मीटिंग में रहेंगे किंग्स इलेवन पंजाब के ओनर, और इस चीज का डिसीजन लिया जाएगा कि यहां पर अनिल कुंबले सर जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। तो ये बड़ी अपडेट किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को लेकर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अनिल कुंबले सर को जो है अप्रोच किया गया है अब यहां पर किंग्स इलेवन पंजाब के हेड कोच के पद के लिए। अनिल कुंबले सर की अगर बात करें तो इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के भी कोचिंग स्टाफ में रह चुके हैं, मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ में रह चुके हैं, और रवि शास्त्री से पहले टीम इंडिया के हेड कोच भी रहे हैं। तो इनके पास एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, और ये काफी अच्छा डिसीजन जो है वो हो सकता है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम का। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे अनिल कुंबले सर, क्योंकि अभी वो किसी भी टीम के साथ नहीं जुड़े हैं, ना ही वो टीम इंडिया के कोच हैं, ऐसे में इजीली वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले हैं और वो बनने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब के अगले हेड कोच। एक और बार आपको बता दें कि माइकल हसी ने ऑफर को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और इसीलिए अब जो है फर्स्ट चॉइस बन चुके हैं अनिल कुंबले सर। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या अनिल कुंबले सर यहां पर एक्सेप्ट करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब के हेड कोच के पद का ऑफर या फिर नहीं, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।